आज पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन का 9 दिन पूरा हुआ है और 12 दिन और बाकी हैं। हिमाचल प्रदेश में इस अवसर पर इस वक्त जो है 6 पॉजिटिव केसेस निकले, 3 पहले के हैं और 3 ऊना में जो अंब सब डिवीजन के नकरो गांव में हैं। कुल मिला के 6 केसेस हुए हैं और 1 केस अभी टांडा में पहले से था, अब 3 और हो गए, टोटल 4 केसेस जो टांडा हॉस्पिटल में है। और ये जो तबलीग जमात के जो लोग जो मरकज से निजामुद्दीन से आए थे, ये 21 तारीख को ऊना आए थे और उस वक्त लॉकडाउन नहीं था और फ्री मूवमेंट था लोगों का और हिमाचल वासी है, उनको हिमाचल आने में कोई पाबंदी नहीं था, लेकिन इन लोगों ने बातें छिपाई थी और ये बातें छिपाने के लिए इनके ऊपर जो है जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया और जो एक व्यक्ति इनके संपर्क में आया था उसने भी बात छिपाया, उसके ऊपर भी डीएम एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। कुल मिला के इस वक्त 204 लोग जो है जो दिल्ली गए थे उनको क्वारंटाइन में रखा गया है और 6 एफआईआर दर्ज हुआ है। बद्दी में 1 एफआईआर और शिमला में 1 एफआईआर, कांगड़ा में 1 एफआईआर, ऊना में 2 एफआईआर और बिलासपुर में 1 एफआईआर इनके ऊपर दर्ज किया गया। मेरा अनुरोध है जिन्होंने भी हिमाचल से बाहर गए और जो भी बातें हैं इसको नहीं छिपाना चाहिए और सच्चाई बताना चाहिए। अगर बातें छिपाते भी है तो हमने आदेश दिया हर एक का सीडीआर जो है मोबाइल का निकाला जाए और लोकेशन पता किया जाए और उसके उपरांत हम एफआईआर दर्ज करने में मजबूर होंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप में कोई भी सिम्टम न होने का संभावना है फिर भी आप कोरोना वायरस का कैरियर हो सकते हैं और आप इसको बुजुर्ग लोगों तक पहुंचवा सकते हैं और उनका जान खतरे में हो सकता है। इसलिए सिम्टम होना या नहीं होना ये सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप गए थे वहां पे और वापस आए तो आपको इसके बारे में डिस्क्लोज करना ही होगा। और दूसरी बात, अब आज मुस्लिम बंधुओं ने अपने घर पर ही नमाज किया है, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैंने पहले भी कहा था कि सर्वधर्म के प्रति मेरी रेस्पेक्ट है और तमाम धर्म के धर्म गुरुओं ने इस वक्त आदेश दिया है या अपील किया है कि हर एक व्यक्ति जो है जो उस धर्म का अनुयायी है वो डॉक्टर का एडवाइस पालना करे और जो कानून का पालना करे, और किसी ने भी इसके विपरीत किसी भी संदेश नहीं दिया है। सबका दायित्व तो बनता है कि डॉक्टर का एडवाइस और कानून का पालना करे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे जो पुलिस कर्मचारी जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है खास तौर पर, और एसेंशियल सर्विस में जो भी संलिप्त है, ये सब लोग जो है आपकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं और इनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या किसी तरह का बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर्स, नर्सेस और पुलिसमैन भी चाहते हैं कि अपने घर पर ही रहे, वो बहुत कम सुविधा के बावजूद अपना ड्यूटियां दे रहे हैं क्योंकि कर्तव्य पालना करने में वो मजबूर है। इस बात को सबको समझना चाहिए और उनके साथ बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवहार करना चाहिए और किसी तरह का दुर्व्यवहार करने पर अगेन एफआईआर करने में हम मजबूर होंगे। और जो क्वारंटाइन में रहते हैं, मैं उनके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, जो क्वारंटाइन में रहते हैं वो उनको पूरा सुविधा दी गई है, उनको रहने के लिए, उनको खाने पीने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए। इसलिए इसको एक सजा के तौर पे वो ना समझे। पुलिस वालों को मैंने पहले ही कहा है कि उनको एक सजा प्राप्त लोगों की तरह ट्रीट ना करे और ये सब क्वारंटाइन पीरियड को सबको खुशी से बिताना चाहिए। और जो इस अवसर पर एक बात और कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में ड्रग मेनेस काफी गहराई में पहुंचा था और इस वक्त बच्चे घर में ही है और इनके सिम्टम्स आप ऑब्जर्व करिए और अगर कोई ड्रग का सिम्टम है तो उसको छुड़वाने का प्रयास आप घर पर ही इस वक्त इस हालात में कर सकते हैं। और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने जो एडवाइजरी निकाला है, ये काफी रिसर्च के उपरांत ये एडवाइजरी दिया गया है, जो घरेलू चीजों से ही आप अपना जो रोग निरोधक शक्ति जो है इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और इसको जरूर पढ़िए, ये
हरेक भाषा में इसका अनुवाद किया गया है और ये वेबसाइट में आपको मिल सकता है। और हमने भी हिंदी का वर्शन जो है अपना फेसबुक में डालने वाले हैं, इसको जरूर पढ़िए और हो सके तो इसका पालना करिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आपको समझना, सबको समझना चाहिए कि जान है तो जहां है। अगर हम जान बचा सकते हैं तो पूरा दुनिया हमारे सामने रहेगी। और दूसरी बात, जब जान है तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है हम तंदुरुस्त रहना है। हेल्थ इज द वेल्थ। अगर जितना भी अमीर हो, अगर हेल्थ सही नहीं है, किसी काम का नहीं है, इसलिए फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बना के रखना अनिवार्य है। इसके उपरांत जो हमने सीखा है वो लिविंग विद द लेस, जो जो कम चीजों के साथ हम जी सकते हैं। अब आवश्यक वस्तुओं मिल रहा है, इसी के साथ हम जी रहे हैं। और इसका यही मतलब है कि हमारा नीड जो है वो हमेशा पर्याप्त मात्रा में हमें मिल रहा है। एंड नीड के उपरांत जो हम इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं वो ग्रीड ग्रीडीनेस है। ये यही एक डिफरेंस है नीड और ग्रीड पर। और जो अगर ये जो ग्रीड है इसको अगर हम दूर करना चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये जो एक्सेस चीजें हैं हमारा नीड के उपरांत, उन चीजों को नीडी पीपल को बांटना है, जिनको जरूरत है उनको ये चीजें बांटा जाए, बाकी आपका मर्जी है। साई बाबा ने कहा है कि जो दुनिया में सबसे अमीर वो है जो कंटेंटेड है, जो तृप्त है। अगर आप कोई भी चीज कम चीजों से खुश है तो आप दुनिया का सबसे बड़ा अमीर हो या गरीब हो, अगर वो तृप्त है, कंटेंटेड है, वो सबसे अमीर है। हमने ये भी सीखा है जो क्लब या रेस्टोरेंट या पब या सिनेमा हॉल के बिना भी हम जी सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हम सबसे अनुरोध किया है कि 5 तारीख को 9 बजे हम अपना बालकनी में इकट्ठा हो। सबसे पहले हमने अपना जो लाइट है वो बंद करना है। बालकनी में रहते हुए हम मोमबत्ती या दिया या टॉर्च या मोबाइल के लाइट से रोशनी करें, और उसके उपरांत जो 9 मिनट तक जो है जो जो भारत माता का जो प्रार्थना करें। और प्रार्थना में शक्ति है, माँ भारती का उन्होंने कहा है कि प्रार्थना करें, प्रार्थना में शक्ति है। मैंने पहले भी कहा है जो दुआओं में ताकत है। आपके रिश्तेदार या आपके परिवार वाले सदस्य जितने भी दूर हो, फिर भी अगर आप यहीं से उनके लिए दुआ करते हैं, उस संदर्भ में दुआ करते हैं, तो वो वहां तक जो है आपका सोशल मीडिया से भी जल्दी उनके लिए पहुंच जाएगा। इसलिए दुआओं में ताकत है, और प्रधानमंत्री का आदेश का पालना करें। धन्यवाद।